भेजते हैं मैंने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस आवर टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जो अपनी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो आज हम अपनी इस टॉपिक में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। बेटा, जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये किसके द्वारा दी गई? सबसे पहले एमसी केंजी पार्कर और डब्ल्यू जे मॉर्गन ने इसको इंट्रोड्यूस किया 1967 में। इन्होंने ये कहा कि जितना भी अपना कॉन्टिनेंटल पार्ट है या ओशियनिक पार्ट है, ये डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड है और इन प्लेट्स से मिलकर ही अपना जो कंप्लीट वर्ल्ड है वो बना है। अब ये कौन कौन सी प्लेट्स हैं? तो अगर इन प्लेट्स के बारे में जाने तो अपने वर्ल्ड में 7 मेजर प्लेट्स हैं और 14 स्मॉल प्लेट्स हैं, जिनसे मिलकर अपने कंप्लीट ओशियन और कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। अब वो कौन कौन से प्लेट्स हैं, थोड़ा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इन प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो ये प्लेट्स हैं, ये किन किन बाउंड्रीज में जो है मूव करती है। तो ये प्लेट्स जो है वो 3 बाउंड्रीज में मूव करती है। बेटा, 3 बाउंड्रीज कौन सी है? प्लेट बाउंड्रीज की अगर बात करें हम, अगर हम प्लेट बाउंड्रीज की बात करें तो 3 बाउंड्रीज में प्लेट मूव करती है। ये 3 बाउंड्रीज कौन कौन सी है? सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री की। डाइवर्जेंट बाउंड्री, अब ये डाइवर्जेंट बाउंड्री कौन सी बाउंड्री होती है? इन विच बाउंड्री व्हेन टू प्लेट्स मूव अवे टुवर्ड्स टू ईच अदर, मींस जब दो प्लेटें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी तो उसको डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री में अगर टू प्लेट्स मूव करती है तो ये प्लेट्स मूव करने से क्या बनेगा? तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर डाइवर्जेंट बाउंड्री में अपनी प्लेट्स मूव की तो कौन सी लैंड फॉर्मेशन हुई? डिफरेंट लैंड फॉर्मेशन होती है। तो इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं एटलांटिक ओशियन का। एटलांटिक ओशियन की अगर हम बात करें तो यहां पर वर्ल्ड की बिगेस्ट रिज कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट रिज कह सकते हैं, जिसका नाम है मिड एटलांटिक रिज। ये लॉन्गेस्ट रिज है वर्ल्ड की, यानी कि सबसे गहरी, ये कह सकते हैं सबसे लंबी और गहरी खाई है जो एटलांटिक ओशियन में है। तो ये मिड एटलांटिक रिज कैसे बनी? जब दो प्लेट्स जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री में मूव की तब ये मिड एटलांटिक रिज है ये बनी। उसके बाद हम दूसरी बाउंड्री की अगर बात करें तो अपनी जो दूसरी बाउंड्री है वो है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री किसे कहते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री व्हेन टू प्लेट मूव टू ईच अदर या कोलाइड टू ईच अदर, जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ खिसकती हैं, यानी कि जब दो प्लेट, अगर ये दो प्लेट्स सेपरेट होती हैं तो ये था डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब ये टू प्लेट्स एक दूसरे की तरफ खिसकेंगी तब ये कौन सी बाउंड्री बनाएंगी? कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में ये जो टू प्लेट्स हैं वो कोलाइड्स हो जाती हैं और कोलाइड्स होने के कारण से डिफरेंट लैंड फॉर्मेशन बनती है। अगर हम टू प्लेट्स को एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो सेडिमेंट्स होगा, जो दोनों के बीच में डिपॉजिट होगा, वो सेडिमेंट्स धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अपलिफ्ट हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हिमालय, रॉकीज, एंडीज जैसे फोल्डिंग माउंटेन्स हैं जो कन्वर्जेंट बाउंड्री में प्लेट्स के मूवमेंट करने से फॉर्म हुए। उसके बाद जो थर्ड बाउंड्री होती है वो होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है? व्हेन टू प्लेट्स शिफ्ट अप एंड डाउन टू ईच अदर, जब दो प्लेटें एक दूसरे के साथ समानांतर होरिजेंटली मूव करेंगी, होरिजेंटली जब टू प्लेट्स मूव करती हैं एक दूसरे के साथ में, तो जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है वो फॉर्मड होती है। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में कौन कौन सी लैंड फॉर्मेशन फॉर्मड होगी? बेटा, इस तरह की
जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में कोई भी प्लेट्स मूव करेगी तो वैलीज भी बन सकती है, फोल्डिंग भी हो सकती है, फॉल्टिंग भी हो सकती है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है सैन एंड्रियास फोल्ट। ये कहां पर है सैन एंड्रियास फोल्ट? ये कैलिफोर्निया में है, ये कैलिफोर्निया जो साउथ सॉरी अमेरिका में पड़ता है, ये कैलिफोर्निया वैली आपने सुना भी होगा, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है ये कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फोल्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में प्लेट्स के मूवमेंट होने के कारण से बना। तो मोस्टली हमने देखा कि जितनी भी रिड्ज है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री में, वैलीज रिड्ज जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री में जब टू प्लेट्स मूव करती है, जब टुवर्ड्स टू ईच अदर मूव करेंगी तो वो वैलीज या रिड्ज बनाएंगी। उसके बाद कन्वर्जेंट बाउंड्री में हमने देखा जब टू प्लेट्स कोलाइड्स होती हैं तो फोल्डिंग माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, डिफरेंट माउंटेन्स जो है वो फॉर्म होते हैं। और अगर हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की बात करें तो इसमें फोल्डिंग फॉल्टिंग होती है जब टू प्लेट्स हॉरिजॉन्टली अप और डाउन मूव करती है तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में मेनली फोल्डिंग या फोल्ड या फोल्ट बनते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट बाउंड्रीज में प्लेटें जो है वो मूव करती रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं